हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक विच इज माय कंट्री सो चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर कंट्री विच इज इंडिया ओके okay? इंडिया को हम किस किस नाम से जानते हैं हम जानते हैं भारत के नाम से हम जानते हैं हिंदुस्तान के नाम से तो आज हम करेंगे चिल्ड्रन माय कंट्री के बारे में बातें वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया इंडिया में कैसे कैसे रिलीजन है किस प्रकार के लोग हैं और वो ढेर सारी बातें जो बढ़ाएंगी आपका नॉलेज और आपको मिल जाएंगे सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर कंट्री इंडिया ओके सो लेट्स स्टार्ट लेट एस नो समथिंग अबाउट इंडिया सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के बारे में आज बात करेंगे तो हम क्या करेंगे हम जानेंगे हम जानेंगे बातें इंडिया कंट्री के बारे में विच इज आर कंट्री वी विल अंडरस्टैंड दैट वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन आर कंट्री इंडिया हाउ ब्यूटिफुल इट इज वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर हेरिटेज एवरी थिंग ईच एंड एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर माई कंट्री इंडिया India is our country. A क्या बता रहे हैं कि इंडिया हमारी कंट्री है विच इज़ वेल नोन कि इंडिया हमारा देश है ओके okay? हमारे देश का नाम क्या है इंडिया है ओके okay? और इंडिया का मैप कैसा होता है इंडिया का मैप होता है चिल्ड्रन इस तरह का ऑल right सो so, आपको ये चीज़ समझनी है कि हर कंट्री का मैप क्या होता है डिफरेंट होता है जैसे हमारी कंट्री का मैप इस तरह से दिख रहा है इसी तरह से जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं उन सब के मैप्स क्या होंगे अलग अलग होंगे ऑल कोई भी कंट्री का मैप हमारी कंट्री के मैप से नहीं मिलेगा चिल्ड्रन सो so, अपनी कंट्री का मैप इस तरह है यू कैन सी टॉप में देखो टॉप के नॉर्दर्न स्टेट्स होंगे साउथ South में सदर्न स्टेट्स होंगे आपके ईस्टर्न साइड के ईस्टर्न स्टेट्स होंगे और वेस्टर्न के वेस्टर्न और आता है बीच का सेंट्रल पार्ट चिल्ड्रन ओके तो जैसे जैसे आप ऊपर की क्लासेस में जाओगे आप ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझोगे बट हाल फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि हमारी कंट्री का नाम है इंडिया इंडिया इज आर कंट्री न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नाउ दिस इज टू नो दैट अपनी कंट्री का जो कैपिटल है उसका नाम है न्यू डेली ओके हमारे देश की राजधानी क्या है हमारे देश की राजधानी है न्यू डेली कोई भी आपसे अगर पूछता है कि बताओ कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है तो वॉट यूल हैव टू से यू विल हैव टू से दैट न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ आर कंट्री इंडिया और न्यू दिल्ली कहाँ आता है न्यू दिल्ली आता है चिल्ड्रन आपका ये एरिया में ओके यू कैन सी नॉर्दर्न थोड़ा ऊपरी भाग में जो इंडिया है अपना उसके नॉर्दर्न ऊपर के भाग में आपका आता है न्यू दिल्ली। अगर आपके पास मैप होगा तो प्लीज़ आप ये लोकेट करके देखना कि न्यू दिल्ली कहाँ आता है और न्यू दिल्ली इंडिया का क्या है कैपिटल है ओके राजधानी है सो इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जिसको हम जानते हैं ओके देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया अब आपको क्या जानना है हमने जान लिया कि इंडिया का जो कैपिटल है जो राजधानी है उसका नाम है न्यू दिल्ली। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टोटल नंबर ऑफ 28 स्टेट्स 28 नंबर के टोटल क्या है हमारी हैं हमारी कंट्री में राज्य हैं ओके और आठ जो है एट है यूनियन टेरिटरीज ऑल राइट तो ये जो आप देख रहे हो ना इतना बड़ा सा जो मैप है और जगह जगह पे जो ये सब सारे स्टेट्स को मार्क किया गया है ये सारी जो चीजें जो सारे प्लेसेस हैं ये कहीं ना कहीं स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज हैं और अगर आप इनको सबको टोटल करते हो तो आपको क्या फिगर मिलता है आपको फिगर मिलता है ट्वेंटी एट स्टेट्स और एट आपका बन जाते हैं यूनियन टेरिटरीज ओके सो डोंट फॉरगेट अगर कंट्री के बारे में पूछते हैं कोई या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आर कंट्री इंडिया सो व्हाट विल यू हैव टू से दैट देयर आर 28 स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज अब इसको कैसे याद रख सकते हैं इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि टू और एट आपका बन गया ट्वेंटी एट और आठ जो लास्ट में है उतने ही हमारी कंट्री में है यूनियन टेरिटरीज ओके पीपल हु लिव इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस और हम सभी जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं जितने भी लोगों ने इंडिया में जन्म लिया है चिल्ड्रन वो सब क्या बन जाते हैं इंडियंस सो वी एवरी वन हेयर एवरी वन हु लिव्स इन इंडिया आर नोन एज इंडियंस ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ आर कंट्री इंडिया देयर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेट्रीज एंड जितने भी लोग हैं हम सभी वी ऑल आर नोन एज इंडियंस बिकॉज वी लिव इन इंडिया ओके वी ऑल लव आर कंट्री अब क्या है कि सिंस हम इंडिया में रहते हैं हम इंडिया की बातों को जानते हैं हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और इसलिए हम सभी अपनी कंट्री से क्या करते हैं प्यार करते हैं वी लव आर कंट्री एंड विच इज़ आर कंट्री आर कंट्रीज नेम इज़ इंडिया जिसकी राजधानी है न्यू डेली ओके तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ों को याद रखना है कि न्यू डेली हमारी कंट्री का कैपिटल है ट्वेंटी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एट नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जितने भी लोग इंडिया के हैं उनको हम इंडियंस के नाम से जानते हैं ओके। नेशनल सिंबल्स ऑफ़ इंडिया अब इंडिया के बारे में हम जान गए कि इंडिया हमारी कंट्री है हमारा देश है हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं जिनका नंबर है 28 और 8 हैं यूनियन टेरिटरीज अब चिल्ड्रन आपको जानना है इनके नेशनल सिंबल के बारे में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हमारी कंट्री के बारे में हमको बहुत कुछ बताते हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग ओके आर नेशनल फ्लैग इज ऑफ ट्राई कलर ट्राई कलर मतलब क्या होता है तीन कलर का है ट्राई मतलब थ्री कलर मतलब रंग तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है चिल्ड्रन दैट इज ऑफ थ्री कलर्स कौन कौन से कलर का है सैफ्रन व्हाइट और ग्रीन ओके सो वी हैव थ्री कलर्स इन आर नेशनल फ्लैग तभी क्या बोल रहे हैं यहां पे ट्राई कलर ट्राई कलर का मतलब क्या होता है तीन कलर कौन कौन से हो गए व्हाइट और ग्रीन और बीच पे जो आप देख रहे हो ये है ब्लू कलर का व्हील ओके सो इस तरह से चिल्ड्रन हमारा बन जाता है ये नेशनल फ्लैग जिसको हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं ओके नाउ नेशनल एनिमल अब सिंबल्स की बात हो रही है तो सबके बारे में बात करेंगे ना तो एनिमल्स में जो नेशनल है एनिमल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है चिल्ड्रन टाइगर ओके okay? अगर हमारी कंट्री के बारे में पूछा जाए कौन है हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल तो हम सब क्या बताएंगे हम सब बताएंगे दैट आर नेशनल एनिमल इज टाइगर चिल्ड्रन ठीक है हमारे देश को टाइगर्स के नाम से जाना जाता है और इसलिए हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है दैट इज टाइगर ओके सो वी आर डिस्कसिंग नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ इंडिया जिसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा वी लर्न अबाउट नेशनल फ्लैग विच इज ऑफ थ्री कलर दैट इज वाई ट्राई कलर फ्लैग जिसमें कौन कौन से कलर हैं सेफरन है, है व्हाइट है और ग्रीन है नेक्स्ट जो हमने किया वो किया हमारा नेशनल एनिमल कौन है तो नेशनल एनिमल हम किसको बोलते हैं वी कॉल टाइगर आर नेशनल एनिमल चिल्ड्रन ओके नाउ लेट्स सी और कौन कौन से नेशनल चीजें हैं थर्ड इज योर नेशनल फ्लावर अब जब नेशनल एनिमल है तो नेशनल फ्लावर भी होगा तो सबसे बड़ा जो फ्लावर्स है हमारे कंट्री में वैसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं चिल्ड्रन लेकिन जो नेशनल फ्लावर है वो किसी एक ही को मिला है और वो क्या है लोटस ओके okay? लोटस इज आर नेशनल फ्लार तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में या फिर आपसे कोई भी ऐसा पूछ सकता है कि बताओ आपका नेशनल एनिमल कौन सा है तो आपको बिना अटके क्या बोलना है टाइगर इज आर नेशनल एनिमल फ्लॉर कौन सा नेशनल है तो आपको बोलना है लोटस इज आर नेशनल फ्लॉर एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्पोर्ट हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट क्या है ओके तो प्लीज माई डियर स्टूडेंट्स डोंट गेट मिस अंडरस्टूड क्रिकेट इज नॉट आर नेशनल स्पोर्ट हॉकी इज आर नेशनल स्पोर्ट यू कैन सी दिस पर्सन राइट ही इज होल्डिंग अ हॉकी बैट एंड ही इज प्लेइंग अ हॉकी और हॉकी ही हमारा नेशनल स्पोर्ट है बहुत से लोग क्रिकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं बट क्रिकेट हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट नहीं है हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी ठीक है हॉकी का जो खेल होता है वो हमारी कंट्री के लिए क्या है नेशनल स्पोर्ट है तो आपको ये नेशनल वाली सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी अच्छे से कि नेशनल एनिमल कौन सा है नेशनल फ्लावर कौन सा है नेशनल स्पोर्ट कौन सा है हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं ये सब चीजें आपको अच्छे से लर्न करके रखना पड़ेगा ओके नाउ नेक्स्ट नेशनल बर्ड अब नेशनल एनिमल हो गया तो बर्ड्स क्यों पीछे छूटे सो चिल्ड्रन आर नेशनल बर्ड इज दिस ब्यूटिफुल पिकॉक ठीक है हमारी कंट्री का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है पिकॉक पिकॉक क्यों क्योंकि आप देख सकते हो पिकॉक में कितने सारे कलर्स हैं और ये ये दर्शाता है कि इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर हैं बहुत सारे कलर्स हैं एंड दैट इज वाई इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री ओके सो दिस इज ऑल वी हैव लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल्स प्लीज रिमेंबर इट वंस अगेन नेशनल फ्लैग में ट्राई कलर्स होते हैं जिसका नाम है व्हाइट एंड ग्रीन दूसरा है आपका नेशनल एनिमल जो है अपना टाइगर तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय फूल क्या है तो राष्ट्रीय फूल है हमारी कंट्री का लोटस और आपका नेशनल स्पोर्ट क्या है राष्ट्रीय खेल कौन सा है क्रिकेट नहीं है अपना खेल है राष्ट्रीय हॉकी का ओके और नेशनल बर्ड होता है चिल्ड्रन पिक ऑलराइट, ऑल राइट सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेशनल सिंबल्स फॉर योर कंट्री इंडिया माई डियर स्टूडेंट्स सो so, ये था हमारा चैप्टर माई कंट्री जिसमें हमने कुछ ही बातें जानी क्योंकि आगे जाके आपको और भी इंडिया के बारे में बातें पता चलने वाली हैं बट हाल फिलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है ओके okay? अब एक एक इंफॉर्मेशन की अगर आपको मैग्नेट ब्रेन के वीडियो देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में लिखना है डब्ल्यू उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगे क्लासेस अब आप जो भी क्लास में हो क्लिक दैट बटन फॉर यू आर क्लिकिंग क्लास वन और आपको सारे यहाँ पे क्लास वन के टीचर्स दिखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईवीएस पढ़ना है तो आपको ईवीएस में वॉच नाउ दबाना है उसके बाद आपके ईवीएस के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है क्लिक द बटन एंड दीडियो विल स्टार्ट ओके okay? सो so, ये था हमारा चैप्टर माय कंट्री मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर की बातें इस चैप्टर की समरी और करेंगे इसके एक्सरसाइजेस तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन इतना किन्ड्री गार्डन टू तो ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू